In the eighth part it says which of the following points lie on y axis. कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो y एक्सिस पे लाई करते हैं, और y एक्सिस वाले पॉइंट कैसे होते हैं कि x पे तो जीरो होगा और y पे कोई वैल्यू होगी. सो आई कैन सी फर्स्ट इज नॉट देयर, सेकंड इज नॉट देयर, c इज क्योंकि 0,1 है तो हमारा ये y एक्सिस पे लाई करेगा. e इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस व्हिच इज 0,-1. देन वी हैव इज g. g वुड लाई ऑन 0,5. And then h cannot be, i cannot be. The only one left is d. d हमारा 0,0 होता है तो किस पे लाई करता है, दोनों ही एक्सेस पे लाई करता है. So you can write d as well that it would lie on the y axis.